वो शख्स जो किताब बेचते बेचते बन गया जापान की एडल्ट इंडस्ट्री का सम्राट, बीते कुछ समय से डिजिटल सिनेमा में नॉन फिक्शन कहानियों को डॉक्यूमेंट्री में देखा जा रहा है। इन स्टोरीज में एडल्ट इंडस्ट्री के मशहूर चेहरे रहे सनी लियोनी, रोको शेफरेडी की लाइफ स्टोरी को दिखाया गया है। इसी तरह जापान में एडल्ट फिल्मों का साम्राज्य खड़ा करने वाले एक शख्स की कहानी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने से पहले ही चर्चा में है। दुनिया भर की एडल्ट इंडस्ट्री में जापान का नाम सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट क्रिएट करने वाले देशों में शामिल है। जापान में टोरू मुरुनेशी नाम के शख्स को पोर्न एम्परर ऑफ जापान का टैग मिला हुआ है। इसी शख्स पर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आने जा रही है, जिसका नाम है नेकेड डायरेक्टर। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री चर्चा में है। रिपोर्ट्स जी माने तो टोरू ने टोक्यो में इंसाइक्लोपीडिया और किताबें बेची हैं। पब्लिशिंग इंडस्ट्री से टोरू एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुंच गया। 1948 में जन्मे टोरू मुरुनेशी ने 90 के दशक में सुपर पॉर्न फिल्मों को बनाया। इसके बाद वो जापान की एडल्ट इंडस्ट्री के बादशाह बन गए। टोरू मुरुनेशी का यह भी दावा है कि वो अब तक 7000 महिलाओं संग रिश्ते बना चुका है। टोरू मुरुनेशी पर बनी फिल्म में उनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ, फिल्म मेकिंग के अनुभव और सबसे बड़ी बात, इस इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत को बारीकी से दिखाया जाएगा। अपने बिजनेस की वजह से टोरू मुरुनेशी को बहुत आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। जापान में एडल्ट बिजनेस की वजह से टोरू मुरुनेशी ने कई दिक्कतें भी फेस की हैं।